गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज 365। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लें आप इस चैनल को, जिससे आपको डेली जो है जनरल में से क्लासेस मिलती रहें। और साथ ही बात कर लेते हैं अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में। यहाँ पर आपको कई सारी बेनिफिट रहेंगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो भाई आपका डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, क्या क्या मिलने वाला है। इसके अलावा लाइव सेशन कोर्सेज मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट का फीचर रहेगा और सबसे अच्छी बात स्ट्रक्चर कोर्सेज रहेंगे आपके अलग अलग एग्जाम के लिए, अलग सेपरेट कोर्सेस आपको मिलेंगे। और एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलने वाला है। करना क्या है, सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर के थ्रू, और वहाँ जाके साइन अप करने के बाद जाना है आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर, फिर जाना है 12 या 24 मंथ का प्लान चूज करना है। इसमें अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी और मंथली वैल्यू भी काफ़ी कम रहेगी यहाँ पर आपकी। इसके अलावा आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछा जाएगा, है रेफरल कोड, आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा, तो उसमें आप यूज करेंगे @study और आपको मिलेगा यहाँ से 10% का ऑफ रेफर कोड को यूज करने से। ठीक है, तो आपका 24 मंथ का 7,200 आता है, वो आपका कितना हो जाएगा 6,480। उसके बाद आप पेमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग जो प्राइजेस रहने वाले, कम भी है इसका, रेलवे से बैंकिंग का अलग है आपका। तो रेफर कोड आप यूज कर सकते हैं @study10% ऑफ के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं क्लास में सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए फटाफट। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। पूछा गया आपसे यहाँ पर कल्प सूत्र के लेखक कौन है, फटाफट बताएंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी कि भाई कल्प सूत्र के लेखक कौन है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है क्लास में। चलिए तो शुरुआत हो चुकी है क्लास की, सभी लोग एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए और पहले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। क्या पूछा जा रहा आपसे, कल्प सूत्र के लेखक कौन है, फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी क्लास। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का यहाँ पर। तो भाई पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि जो कल्प सूत्र है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक थे भद्रबाहु। और जो भद्रबाहु थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते थे। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कई बार एग्जाम में आता है सीधा ये क्वेश्चन आपका कि कल्प सूत्र के लेखक कौन है, कल्प सूत्र के लेखक रहेंगे कौन, भद्रबाहु। याद रखिएगा इस चीज को, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। तो जो टेंडन आपका रहता है वो किसको कनेक्ट करता है पूछा जा रहा है, ऐसे कंडरा या पेश बंदनी कहा जाता है, तो भाई किसको जुड़ने का काम करेगा ये वो पूछा गया है। ऑप्शन के अनुसार आंसर देंगे सभी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए सरिता जी, शबीना, प्रीति, गुल्लू जी, दीप, अंकित कुमार, शिवांगी गुप्ता, चलिए समीर जी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, अजय कुमार, वर्षा जी, गुड मॉर्निंग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे अब आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा क्या होगा, सेशन को लाइक कर दे जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, सभी लोग एक बार लाइक जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा हो जाएगा पेशी टू आपका हड्डी, यानी कि मसल टू बोन ये काम करता है जोड़ने का। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पेशी को हड्डी से जुड़ने का काम करता है आपका जो टेंडन रहता है। वही हम लिगामेंट की बात करेंगे तो लिगामेंट क्या करता है आपका, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। कंफ्यूजन बहुत होती है इन दोनों में कि भाई टेंडन वाला पूछा है या लिगामेंट वाला पूछा है। लिगामेंट टेंडन लिख कर दिया था, तो मसल बोन बताना है कि बोन टू बोन बताना है। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए मसल और बोन है यहाँ पर, तो आपका ठीक है ये हो गई टेंडन। ठीक है, लिगामेंट के थ्रू याद रख सकते हैं, एक याद हो गया दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए लिगामेंट को कैसे याद रखेंगे, लिगामेंट आपका होता है बोन टू बोन, तो दोनों ही कैसे होती है हड्डी अगर बात करें तो कड़क होती है, दोनों आपस में अगर टकराएंगे तो क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है लगेगी आपको, तो लगने से हम याद रखेंगे लिगामेंट। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बोन टू बोन जब टकराएंगे आपकी जोर से तो क्या होगा, लगेगी चोट लगेगी। इस प्रकार तो हम लिगामेंट याद रखेंगे बोन टू बोन। ठीक है, हड्डी को हड्डी जोड़ने का लिगामेंट काम करता है, फिर दूसरा तो समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दीजिए आंसर। आ गया क्वेश्चन में आपसे, एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि भाई जो एड्रियाटिक की रानी है वो किसको कहा जाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 का आंसर दीजिएगा सभी। राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया गया इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर वेनिस इसका सही आंसर है। किस कंट्री में रहेगी आपकी वेनिस जो सिटी है, किस कंट्री में रहेगी, लोगों ने आंसर दे दिया ऑप्शन ए, वो जल्दी से बताएंगे कि भाई कौन से देश में रहेगा वेनिस, ये आपसे पूछी जाती है। वेनिस की अगर हम बात करें तो ये किस कंट्री में रहेगी आपकी, इटली में रहेगी। कहाँ पर रहेगी, इटली में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो ये आपकी स्थिति देखें यहाँ पर, तो एडियाटिक सागर में हम देखें तो 7 देशों से घिरा हुआ है, भूमध्य सागर का ये हिस्सा है जो एडियाटिक सागर है आपका, और यहाँ पर आपका ये रहा वेनिस। तो वेनिस जो है किसका है, इटली का एक शहर है। किसका, इटली का एक शहर है, याद रखिएगा।
चलिए आरजी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इटली का एक शहर है वेनिस, और एडियाटिक की रानी इसको कहा जाता है, क्वीन ऑफ एडियाटिक सागर के नाम से इसको जाना जाता है। और 7 देशों से घिरा हुआ है, चारों तरफ देश दे सकते हैं यहाँ पर आपके, वेनिया हो जाएगा आपका, इसके अलावा मोंटेगेरन नेग्रो हो जाएगा, अल्बानी हो जाएगा, 7 देशों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस हम कब मनाते हैं, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। और सेशन को लाइक कर दीजिए भाई, जितने भी लोग जुड़े हैं अभी सभी लोग फटाफट लाइक कर देंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हम कब मनाते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। क्या होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, चलिए आंसर दीजिएगा भाई, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिएगा फटाफट। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 9 दिसंबर, जो ऑप्शन सी पर आपका दिया गया है। कब मनाया जाता है आपका, 9 दिसंबर को आपका इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जितने भी लोगों का सी आया सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, अहोम विद्रोह की बात की जा रही है, कई बार पूछा था इसका नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है आपका। चलिए क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है, फटाफट आंसर करेंगे सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, पूछा जा रहा है आपसे अहोम जो आपका विद्रोह था वो कहां से शुरू होता है, तो याद रखिएगा अहोम, और हम बात कर रहे हैं तो असोम, एक तरीके से इसको याद रखिएगा, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और कंफ्यूजन होती है, तो अहोम को असोम से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी पर आपका दिया गया है। तो असम में आपका अहोम विद्रोह शुरू होता है, उस समय का तत्कालीन बात करेंगे तो ये अहोम विद्रोह आपका असम में हुआ था, यहाँ पर अहोम जो पीपल थे, अहोम जो लोग थे आपके अंग्रेजों के विरुद्ध आपका उन्होंने उनके द्वारा किया गया था, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, इनके जो पूरा साम्राज्य था उसको अपने में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। इसका नेतृत्व कौन करता है, तो इसका नेतृत्व करते हैं गोमधर कुंवर, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, गोमधर कुंवर जो है आपका किसके कौन से विद्रोह से जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, 2022 के जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं भाई, इनका शुभंकर कौन होगा, शुभंकर के लिए क्या चुना गया है वो आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया, 6 का आंसर अब आप लोगों को देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर क्या होगा, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिया गया है, तो ये आपका राष्ट्रीय खेल 2022 आपका होने वाला है, उसको शुभंकर के रूप में चुना गया, किसको, क्लाउडेड लियोपार्ड को, जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि आपका किसी राज्य का जो है स्टेट एनिमल भी है वो हो जाएगा हमारा मेघालय, ठीक है। मेघालय का स्टेट एनिमल भी है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, गारो जनती खासी जो पहाड़ी है वहां पर आपका ये पाया जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्लाउडेड जो लियोपार्ड आपका रहेगा पिक्चर, जो हम देख सकते हैं छोटी आपकी बिल्ली, इस तरीके का हम देखें तो बिल्ली की जो प्रजाति है आपकी, क्योंकि आपका तेंदुआ जैसा दिखता है लेकिन तेंदुआ से काफी छोटा होता है, धूमिया या धूमिल तेंदुआ इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर चुना गया है, और मेघालय राज्य का राज्य पशु भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, चलिए 7 का आंसर देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, चलिए 7 का आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन कहता है आपसे कि कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर आपका कहाँ रहेगा, स्थापना कब होती है, कैनरा बैंक की पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए पर आपका दिया गया है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर, तो ज्यादातर हमें क्या लगता है मुंबई में हेडक्वार्टर रहते हैं बैंकों के, मुख्य बैंकों के, और है भी है कई सारे बैंकों के, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें याद रखनी है आपको, बन जाता है क्वेश्चन। तो कैनरा बैंक की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर रहेगा कहाँ पर, बेंगलोर में रहेगा इसका हेडक्वार्टर। स्थापना कब होती है कैनरा बैंक की, अगर आपसे पूछ बात करी जाए तो इसकी स्थापना किस वर्ष में की जाती है, तो काफी पुराना बैंक रहेगा, प्राइवेट बैंक में से काफी पुराना बैंक है ये, तो 1906 में इसकी स्थापना होती है, बेंगलोर में कर्नाटक में हेडक्वार्टर रहेगा, और अम्बेबल जो सुब्बाराव पाई थे उनके द्वारा बेंगलुरु में इसकी स्थापना की जाती है 1906 में, ठीक है। और 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण भी होता है, उसके बाद अगर हम बात करें टुगेदर वी कैन इसकी टैगलाइन रहेगी, सीओ रहेंगे लिंगम वेंकट प्रभाकर इसके वर्तमान में, ठीक है। सौर सेल बनाने में भाई किस तत्व का उपयोग किया जाता है मुख्यतः, वो पूछा गया आपसे, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है, सही आंसर हमारा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया, भाई 8 का आंसर दे दीजिए फटाफट सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है यहाँ पर, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग हम करते हैं, तो याद रखिए सिलिकॉन इसका सही आंसर होगा, SI।
सिलिकॉन आपका डी ऑप्शन पर दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेमीकंडक्टर के रूप में हम उपयोग करते हैं इसका, तो ऑप्शन डी करेक्ट हमारा हो जाएगा, सिलिकॉन इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है अग्रणी कपास उत्पादक है, देखिए कपास उत्पादक अगर बात करी जाए, विच इंडियन स्टेट इज द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर। चलिए, कॉटन सबसे ज्यादा आपका जो है कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है, तो बात करें हम 125 आपके जो बैरल रहेंगे, आपके जो बात की जाती है इनकी घाट जो रहती है आपकी पूरी 125 लाख जो है आपका यहाँ से उत्पादन होता है इस राज्य से अगर हम बात करें, तो राइट आंसर हमारे याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, गुजरात इसका आंसर होगा, महाराष्ट्र हुआ करता था टॉप पर पहले, लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पर लास्ट रिपोर्ट के बारे में, तो वही 2000 जो है आपका गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन हमारा सी पर दिया गया है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। भारत दुनिया में सबसे बड़ा आपका उत्पादक है, ये आपको पता ही होगा, और एक्सपोर्ट में भारत जो दूसरे स्थान पर, लेकिन गुजरात आपका टॉप पर रहेगा, स्टेट में सेकंड पर रहेगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र आपका कहाँ रहेगा, सेकंड पर रहेगा, हमारी जो कॉटन रहेगी उसको हम कस्तूरी कॉटन के नाम से जानेंगे। ठीक है, गुजरात आपका सबसे ज्यादा रहेगा, टॉप वन पर रहेगा, उसके बाद बात करें महाराष्ट्र रहेगा, तीसरे पर देखें तो आपका तेलंगाना, चौथे पर कर्नाटक आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। 2017 के बाद अगर हम देखें आंकड़े बदलना शुरू हुए थे, ठीक है, 2017 के बाद फिर से आपका गुजरात टॉप पर आ गया था, उससे पहले महाराष्ट्र आ गया था, फिर से आंकड़े चेंज होकर वर्तमान बात करें तो सबसे ज्यादा आपका गुजरात में उत्पादन हो रहा है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक और संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया और किस वर्ष किया गया, ये आपको बताना है। पीएम मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है, तो किस वर्ष आपका इसका उद्घाटन होता है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, सभी लोग सेशन को लाइक करते हैं जल्दी से, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया, इसका आंसर आपको देना है, तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा, अलग ही आप सभी लोगों का बी आ रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही बात है भाई, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जिस प्रकार आपका बनाया गया वहां पर, ये जो आपका ये मार्च निकाला गया था, तो उन व्यक्तियों का प्रमुख जो व्यक्ति रहते हैं सभी की मूर्ति इस प्रकार बनाई गई, पूरा संग्रहालय बनाया गया है, और 30 जनवरी 2019 को आपका जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, दांडी में आपका किया गया, दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है, ये भी याद रखना है आपको थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, याद रखिएगा इस चीज को, किस जिले में, नवसारी जिले में रहेगा दांडी आपका, क्योंकि ये आपका 1930 में आपका गांधी जी के द्वारा लीड किया जाता है इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, अभी नाबार्ड की स्थापना कब होती है आपको पता होगा, 1982 में, लेकिन किस पंचवर्षीय योजना के तहत होती है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होती है आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 11। चलिए 11 का आंसर दीजिएगा फटाफट सभी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका नाबार्ड की स्थापना होती है, तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है आपको पता है 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है, तो 1980 से 85 तक कौन सी योजना का कार्यकाल चल रहा था आपका, छठवीं योजना का। ठीक है, कौन सी छठवीं पंचवर्षीय योजना का आपका वो चल रहा था, टर्म जो रहेगा आपका 1980 से 85 तक, और 82 में स्थापना होती है किसकी, नाबार्ड की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पर दिया गया इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा, तो भाई भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहेगा, भाई दीजिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, सभी आंसर देंगे इसका कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। चलिए फटाफट आंसर देंगे आप सभी, क्वेश्चन का आंसर हमारे यहां पर क्या होगा, तो देखिए भी क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जाहिर सी बात है क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की, कोई चीज नहीं आपके सामने दी गई, जनसंख्या का पूछा था तो अलग चीज हो जाती है, तो भाई यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो क्या जाएगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका लद्दाख, जो ऑप्शन आपका डी पर दिया गया है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के साथ लद्दाख जो है टॉप पर रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा, लद्दाख रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर आपका नहीं होगा, वह उसके बाद आएगा, सबसे पहले लद्दाख उसके बाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन जो डी पर दिया गया है, सबसे छोटा पूछा जाता है तो लक्षद्वीप हो जाएगा, केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल के साथ सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, हैदराबाद की स्थापना किसने की वो पूछा जा रहा है आपसे, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, चलिए आंसर देंगे सभी लोग क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है,
पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि भाई हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने शीशे सर के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा भाई। इसी के द्वारा आपका चार मीनार जो है इसकी स्थापना की जाती है, प्लेग उन्मूलन जब होता है उस समय उसके उपलक्ष्य में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन सी पर आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं, आपको याद हो तो यूस्टे की जो नलिका पूछी जाती है, यूस्टे की जो आपका ट्यूब है ये आपका कहाँ पर होता है, हमने बात की थी इसके बारे में अच्छे से और आप सभी को याद होनी चाहिए इसके बारे में, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है और इसी बात पर फटाफट सभी लोग लाइक करते, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक करते रहा करें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहता है कि यूस्टो की जो आपकी नलका या यूस्टेकियन जो आपका ट्यूब रहेगा ये कहाँ होता है, तो भाई हमारे कहाँ होता है, ईयर में होता है, इनकी कान में होता है, जो ऑप्शन आपका बी पर दिया गया। दोनों कान का जो आपको पर्दे रहते हैं उनके दबाव को भी आपका बराबर करने में हेल्प करता है यूस्टे की ट्यूब जो रहता है हमारा, तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाए यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर होता है, कान में होता है आपका यूस्टे की नलिका। इसके अलावा सबसे छोटी हड्डी आपको पता है कान के तीन हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेफिस होती है, वो आपको पता ही होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, तो भाई कम तापमान की बात कर रहा है क्वेश्चन, कम तापमान को मापना है उसके लिए हम कौन सा यंत्र उपयोग करेंगे, उस यंत्र को क्या कहा जाता है, कम से कम तापमान रहेगा, लो तापमान रहेगा आपका काफी, तो उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र रहेगा, जैसे कि आपका विद्युत प्रवाह होता है कम मात्रा का गैल्वनीकरण वहां पर उपयोग करते हैं उसका गैल्वनीमीटर का, उसी प्रकार आपका यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कम तापमान को मापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। चलिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर आ चुका है कुछ लोगों का, बिल्कुल भाई तो सी की तरफ आप जा रहे हैं, बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, क्रायोमीटर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कम तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे, क्रायोमीटर का उपयोग हम करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्रायोमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, दक्षिण मध्य रेलवे की बात कर रहा है क्वेश्चन, दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपका कहाँ रहेगा, जो दक्षिण मध्य रेलवे आपका रहेगा 1966 में स्थापित है, तो आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पर रहेगा, बिल्कुल पायरोमीटर आपका हाई होता है, हाई टेम्परेचर वहां पर काम करता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको देना है यहाँ पर, दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपका कहाँ रहेगा, ठीक है, 16 का आंसर देंगे आप सभी। चलिए 16 का आंसर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा आपका ये, बिल्कुल सिकंदराबाद, कहाँ पर हो जाएगा आपका ये तेलंगाना के अंतर्गत हो जाएगा, आप पहले आंध्र प्रदेश में रहा था आपका, लेकिन कहाँ पर होगा आपका, तेलंगाना में हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सिकंदराबाद इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपका कहाँ रहेगा, सिकंदराबाद में रहेगा, मैंने पूरी लिस्ट भेजी थी आपकी सभी की, ठीक है, पूरी लिस्ट आपको भेजी थी इसकी मैंने, कौन सा आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है किसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 17 का आंसर दीजिए फटाफट, भारत में पहला सरकारी विकलांगता खेल केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देंगे आप सभी। तो भाई 17 आपसे कहता है यहाँ पर कि भारत का पहला सरकारी विकलांगता खेल परिषद रहेगा, जिसमें आपका इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो है विश्व स्तरीय जो लेवल की आपकी स्पोर्ट की फैसिलिटीज रहेंगी वो देखने को मिलेंगी यहाँ पर। चलिए तो क्या हो जाएगा आंसर इसका आपका, ग्वालियर, बिल्कुल मध्य प्रदेश के ग्वालियर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन हमारा बी पर दिया गया है, और ग्वालियर में एक टॉम्ब भी है काफी फेमस, वो पूछा जाता है किसका है, वो तानसेन का टॉम्ब भी स्थित है ग्वालियर में, ठीक है, तो वहीं में उनका जन्म होता है इसलिए उनका टॉम्ब भी वहीं पर बनाया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बी हो जाएगा इसका, ठीक है, बी या डी नहीं, ओनली बी, ठीक है, तो ग्वालियर इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है आपका, मध्य प्रदेश में यहाँ पर तानसेन सम्मान दिया जाता है, तानसेन समारोह आयोजित है, तानसेन रिलेटेड ज्यादा चीजें आपके मध्य प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में उनका जन्म होता है ग्वालियर में, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया यहाँ पर आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए आप, उसके बाद आप लोगों को आंसर यहाँ पर देना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले यहाँ पर कि भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन आपका सेंटर किस राज्य में विकसित किए जाने वाले हैं, विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी भी दी है, क्या है आपका पहला सैंड ड्यून पार्क रहेगा आपका भारत का, तो किस राज्य में आपका ये स्थिति है, तो आपको बताना है, राजस्थान, गुजरात या केरल या गोवा। चलिए क्या होगा हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 18, इसका आंसर आपको देना है, 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल प्रीति जी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर, गोवा जितने भी लोगों का आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा भाई कहाँ पर आपका होगा पहला सैंड ड्यून पार्क की अगर हम बात करेंगे भारत में, तो वो गोवा में आपका इनको जो है
विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पर्यटन की दृष्टि से भी इसको बढ़ावा मिलेगा काफी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। गोवा का कैपिटल क्या है आप लोगों को पता होगा, जल्दी से बताएंगे आप। तो भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर गोवा में विकसित किया जाएगा। विश्व बैंक इसमें 3 करोड़ रुपए की राशि जो है मंजूरी दी है। ठीक है, तो आपके इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे गोवा में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा उसका, गोवा हो जाएगा, पणजी वहां कैपिटल हो जाएगी आपकी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, कई बार पूछा गया PMGSY क्या है आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो आपकी रहेगी, इसमें अच्छा कार्यान्वयन करते हुए आपका 30 जिलों में सबसे टॉप पर कौन रहा है वो आपको बताना है। यहाँ पर 30 जिलों की एक सूची जारी की जाती है भाई, तो 30 जिलों में से टॉप पर कौन सा जिला रहता है जो सबसे ज्यादा जो है आपका अच्छे तरीके से सड़कों का निर्माण करता है, तो उसकी बात आपसे की जा रही है। पर लंबी सड़कों के लिए आपका दिया जाता है, सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 30 जिलों में से टॉप पर कौन रहता है वो आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, जितने भी लोगों का ऑप्शन भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, मंडी जिला जो है आपका कहाँ का हो जाएगा, ये जिला हो जाएगा आपका कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, मंडी जिले को इसमें आपका टॉप का स्थान मिलता है 30 जिलों में, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करेंगे तो वो दूसरा स्थान मिलता है हिमाचल प्रदेश राज्य को इस पूरे राज्यों में सबसे लंबी सड़क बनाने के लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें तो 25 दिसंबर 2000 को ये शुरू होता है भाई। गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के, सीएम तो जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर एक बार आप लोगों को कमेंट में बताना, सभी लोग गवर्नमेंट लिखकर बताएंगे कि भाई ये वर्तमान में वहां के राज्यपाल है, फटाफट आप लोग बताएंगे। जब तक और बात करते हैं इसके बारे में, तो 30 जिलों में से आपका मंडी प्रथम पर रहता है आपका। ठीक है, 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे अधिक लंबी सड़कों के निर्माण के लिए ये स्थान मिलता है। और इस योजना की बात करेंगे तो 25 दिसंबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप लोग ये बताएंगे कि भाई इस गवर्नर कौन रहेंगे, तो बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे वहां के गवर्नर। बिल्कुल, कैपिटल आपकी हो जाएगी शिमला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है, दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस देश ने फैसला किया है कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो भाई उन्हें कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जाएगी, वो आपको बताना है। जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें कोई भी सेवा जो है प्रदान नहीं की जाएगी। चलिए बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 20, इसका आंसर आपको देना है। चलिए भी फटाफट आंसर करेंगे आप लोग, 20 का आंसर हमारा क्या होगा। चलिए भी क्वेश्चन नंबर जो 20 आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर आपका कौन सा देश रहेगा, तो याद है कि बांग्लादेश का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन रहेंगे अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट में बताएंगे आप लोग। प्रधानमंत्री शेख हसीना हो जाएंगी वहां की, और नेशनल स्पोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बात करें इस आपके इसके बारे में, तो नो मास्क नो सर्विस वाले नोटिस बोर्ड लगाने होंगे यहाँ पर सभी कार्यालयों में। COVID-19 का जो प्रसार बढ़ते जा रहा है उसके चलते आपका बिना मास्क के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी, ये याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां के अब्दुल हमीद वहां के आपके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है बांग्लादेश कई बार, तो याद रखिए कबड्डी है। ठीक है, क्या है, कबड्डी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 20 बना, आंसर दीजिएगा इसका, 21 का आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट लाइक करिए सभी लोग सेशन को, जितने भी लोग अभी जुड़े हैं फटाफट लाइक जरूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में स्थित रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कहता है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो है किस देश में स्थित रहेगा वो आपको बताना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग ऑप्शन डी की तरफ जा रहे हैं अभी बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में रहेगा आपका ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान रहेगा। बात करेंगे हम नामीबिया और बोत्सवाना जो दिए हैं ऑप्शन आपके सामने, तो इन दोनों देश की बात करेंगे, नामीबिया में कुछ मात्रा में बोत्सवाना में ज्यादा में। कौन सा डेजर्ट है वो आपको पता ही होगा क्योंकि हम एक बार नहीं कई बार बात कर चुके हैं उसके बारे में, तो कौन सा डेजर्ट रहेगा वो कालाहारी। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट रहेगा। भाई मंगोलिया की बात करेंगे तो ठंडा रेगिस्तान आपका पाया जाता है मंगोलिया में, तो वो है आपका कौन सा, गोभी। ठीक है, सर्दियों में गोभी की फसल आती है भाई, तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मंगोलिया अगर आपसे पूछा जाए कि गोभी रेगिस्तान वाला, तो मंगोलिया में हो जाएगा। बोत्सवाना नामीबिया में आपकी अफ्रीकन कंट्री रहेंगी, कालाहारी डेजर्ट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का आपका हो गया ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर भी आंसर दीजिएगा।
तो 22 आपसे कहता है कि प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को हम किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, वो आपको बताना है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च ऑप्शन में जरूर लिखकर आएगा, याद रखिएगा 13 फरवरी को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 दिया गया, इसका हमारा सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल भाई 22 का आंसर भी आप लोगों का आ गया, काफी सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। जीके बड़ी बहुत बड़ी तैयारी चल रही है आप लोगों की, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका सी पर दिया गया है। तो सरोजिनी नायडू जो है उनके 13 फरवरी को जन्म होता है, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कानपुर में, उसकी अध्यक्षता भी करती है, तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपका, उसके अच्छा में पूछा भी गया था, ठीक है। 1925 में पहली भारतीय महिला होती है जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करती है, 1925 कानपुर सेशन में। बात करते हैं इनके बारे में, यहाँ पर तो ये गवर्नर भी रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। पूछा था वाला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली वुमेन गवर्नर 47 से 49 के मध्य आपका रहती है सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अलीसा जी वेरी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है, दीजिए आंसर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी, यह पूछा जा रहा है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, लूनी, बनास, साबरमती या अरवारी, क्या होगा आंसर। और भाई 30 पीपल जुड़े हुए यहाँ पर, सभी लोग लाइक कर दें सेशन को जल्दी से, लाइक एंड वॉचिंग का रेशियो बराबर कर दीजिए फटाफट सभी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है, भाई राजस्थान पुलिस के आपके एडमिट कार्ड वगैरह भी जारी किए जा चुके हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया, इसका आंसर आपको करना है यहाँ पर, सही आंसर हमारा क्या होगा, तो कौन सी हो जाएगी, बताया मैंने आपको पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाले क्वेश्चन, तो बिल्कुल कौन सी हो जाएगी आपकी सबसे लंबी नदी, बनास हो जाएगी। कितनी लेंथ रहेगी उसकी, 512 किलोमीटर, ठीक है। लूनी आपकी 495 के आसपास रह जाएगी, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बनास रिवर इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, जो ऑप्शन बी पर आपका दिया गया, राजस्थान की सबसे लंबी रिवर रहेगी 512 किलोमीटर लेंथ के साथ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 24 आंसर दीजिएगा। आई डू वॉट आई डू किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी गई है, जल्दी से आप लोग बताएंगे किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। आई डू वॉट आई डू की पूछी जा रही है आपसे, 24 का राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, चलिए बिल्कुल ऑप्शन ये आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका आंसर आ रहा है सभी क्वेश्चन का, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ये कौन से क्रम के गवर्नर रहे थे भाई आरबीआई के, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, रघुराम राजन जो थे आपके, कौन से क्रम के गवर्नर रहे थे आपके। अभी बढ़ता हूं बात करेंगे, तो 25वें हैं, इनसे पहले वो 24वें हो गए उर्जित आरपाटा, तो 23वें रहेंगे, ठीक है। उनसे 23वें गवर्नर थे आपके 2013-16 के मध्य, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल रघुराम जी राजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, सभी का आंसर सही आ जाएगा। तो भाई किसके सतत प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होता है, ऑप्शन पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए, ठीक है। क्या होगा आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर जो दिया है 25, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कि किसके प्रयास थे आपके काफी ज्यादा, जिसने आपका विडो रिमेज एक्ट 1856 में पारित आपका किया जाता है। 1856 में जब पारित होता है तो लॉर्ड डलहौजी था उस समय, लेकिन जब ये पूरी तरीके से लागू होता है तो उस समय आता है कैन, ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी का माना जाता है मुख्य थे। चलिए तो ऑप्शन आपका सी जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ लोग एक तरफ जाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी से हो जाएगा, ईश्वर की कृपा से, बिल्कुल। तो भाई ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ईश्वर चंद विद्यासागर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाई पूछा जाता है कई बार आपसे सती प्रथा के बारे में, तो वो थे राजा राम मोहन राय के सतत प्रयास, ठीक है, तो वो उनमें वहां पर उनका प्रयास था, लेकिन यहाँ पर विडो रिमेज एक्ट की बात की जाएगी, तो ईश्वर चंद विद्यासागर का काफी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लेटलेट जो होते हैं हमारे ब्लड में वो कहाँ पर बनते हैं आपके, प्लीहा, यकृत या आपका बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा या किडनी में, कहाँ पर बनते हैं आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे ब्लड के वो कहां पर बनते हैं, आपका आंसर क्या आ रहा है सभी का यहाँ पर,
तो सी की तरफ आप जा रहे हैं भाई। देखिए, जहां पर हमारी आरबीसी वगैरह बनेगी वहीं पर आपका ये बनेगा, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में कोई फर्क नहीं, सारी ही आपकी रक्त की कोशिका है। प्लेटलेट्स भी क्या आपकी रक्त की कोशिका है। देखिए किस प्रकार आप रक्त का क्लासिफिकेशन देखें, तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मा रहता है 55 से 60% और रक्त कोशिका रहती है इसमें 40 से 45%। तो रक्त कोशिकाओं में तीन प्रकार की कोशिका मुख्यतः सामने आती है, आरबीसी सबसे ज्यादा मात्रा में, डब्ल्यूबीसी सबसे कम मात्रा में, तो ये मध्यम हो जाएगी। इन तीनों की अगर बात करेंगे, प्लेटलेट सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाएंगी, उसके बाद प्लेटलेट सबसे कम मात्रा में रहेंगे डब्ल्यूबीसी, और सबसे कम जीवन काल होता है इनका कितना, 2 से 5 दिन का जीवन काल होता है। आरबीसी की बात करेंगे तो 120 दिन का लगभग आपका जीवन काल होता है, यानी कि 4 मंथ तक आपकी जीवित ये रहती है लगभग, ठीक है। ये सारी आपकी बोन मैरो में बनती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सभी की बात करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट सारी कहां पर बनेंगी आपकी, ये बनेंगी आपकी सभी बोन मैरो के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन से स्वाद ग्राहक जीव के पीछे रहते हैं, कि जो टेस्ट रिसेप्टर्स जो हमारे होते हैं, तो वो जीव के सबसे पीछे वाले हिस्से में कौन से रहेंगे, कौन से रिसेप्टर रहेंगे, सॉल्टी या आपके स्वीट, बिटर या सो, कौन से रहेंगे, ये आपको बताना है। और सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से लाइक कर दें जो लोग नए जुड़े हैं, ठीक है सभी लोग। चलिए तो 27 का आंसर दीजिए फटाफट, 27 का हमारा आंसर यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, कौन से टेस्ट रिसेप्टर आपके जीव के पीछे होते हैं, बैक साइड होते हैं टंग के हमारे, वो पूछे जा रहे हैं आपसे, तो क्या होगा आंसर हमारा यहाँ पर। चलिए तो 27 का आंसर आप लोगों का आ गया यहाँ पर, बिल्कुल भाई बेटर इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जो ऑप्शन सी पर दिया गया कड़वा, ठीक है। तो सबसे पीछे क्या रहता है आपका, कड़वा रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे याद रख सकते हैं इन सारी चीजों को, जीव के जो रिसेप्टर हमारे रहेंगे तो थोड़ा सा इस प्रकार याद रख सकते हैं हम। देखिए सबसे पहले कोई भी काम करते हैं भाई, कोई भी मान लीजिए किसी भी चीज में हम देख लेंगे, सबसे पहले भाई मीठा लगता है, कोई भी अच्छी चीज नहीं रहती है तो उसको हम देखें, सबसे पहले मीठा लगेगा, फिर धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, लास्ट मंथ में जाके कड़वा हो जाएगा। तो दो तो आप वैसे याद रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, या फिर वैसे आप टेस्ट करके अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, एक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे आप लोग किस प्रकार का। सबसे पहले लीजिए अपने हाथ में क्या, कुछ मीठा खाने के लिए, उसको डायरेक्ट जीभ के इस वाले पार्ट पर, लास्ट वाले पर रखिए, आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा कि ये मीठा है या कैसा है, लेकिन जैसे ही वो आपका शुरुआत में टच होगा इस वाले हिस्से पे मीठा वाला, बिल्कुल पता चल जाएगा। अगर कोई कड़वी चीज है आपकी, बिल्कुल कड़वी चीज है, तो उसको आपको शुरुआत के हिस्से में यहाँ तक आप रखेंगे तो बिल्कुल भी आपको स्वाद का अनुभव नहीं होगा, जब तक वो अंत के हिस्से में नहीं जाती जीभ के में। तो या तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं अनुभव आपका, या फिर आप जो है कैसे भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर चेक करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। बिल्ली आगे भी आपके सामने, फटाफट बता दीजिए नाम, आंसर क्या होगा। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैट। चलिए सेशन को लाइक कर देना सभी लोग फटाफट, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर 28। क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पर, 28 का हमारा आंसर क्या होगा, देखिए किस प्रकार याद रख सकते हैं इसको हम। डोमेस्टिक का अर्थ क्या होता है भाई, घरेलू या कह सकते हैं पालतू, घरेलू या पालतू कहते हैं भाई किसको, डोमेस्टिक का अर्थ होता है आपका, ठीक है। तो आपका फैमिलियर डोमेस्टिक का कौन रहेगा आपका, वो रहेगा डॉग, क्योंकि वो फैमिलियर हो जाता है हमारे साथ रहता है। लेकिन अगर बिल्ली की हम बात करें, बिल्ली की हम बात करेंगे कैट की, तो बहुत ही कम आपने देखा होगा कि वो पालतू रह पाती तरीके से, सही से नहीं रह पाती, क्या हुआ एकदम फैल है डोमेस्टिक रहने में, डोमेस्टिक यानी कि पालतू या घरेलू रहने में आपका बिल्ली क्या है एकदम फैल है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं फैलिस डोमेस्टिका, ठीक है, यानी कि आपका घरेलू बनने में ये बिल्कुल फैल है, इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। फर्स्ट किसान रेल जो है उसकी बात कर रहा है क्वेश्चन आपसे, कि पहली किसान रेल देवलाली से रेलवे स्टेशन से आपका रवाना होती है, तो ये स्टेशन कहाँ स्थित होगा, क्योंकि देवलाली से बिहार के दानापुर तक पहुंचती है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि ये किस राज्य में रहेगा। चलिए दूसरी आपकी दक्षिण भारत से चलती है, आंध्र प्रदेश से नई दिल्ली पहुंचती है, दूसरी किसान रेल रहेगी वो, ये पहली है, पहली याद रखना जरूरी है भाई ज्यादा। चलिए तो वो 9 सितंबर या 7 अगस्त की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल महाराष्ट्र, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। तो महाराष्ट्र से शुरू होती है, बिहार तक पहुंचती है, पहली किसान रेल ये रहेगी, ठीक है, पहली किसान रेल थी आपकी, बिल्कुल। तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पीयूष गोयल और जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री, उनके द्वारा आपका पहली किसान रेल को देवलाली, जो बिहार जो है महाराष्ट्र का देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन की ये विशेष आपकी चलाई गई थी वीडियो के माध्यम से, इसको
हरी झंडी दिखाएगी। तो याद रखिएगा, पहली किसान रैली होगी आपकी अगस्त के माह में चलने वाली, फिर सितंबर में जाती है 9 सितंबर को आपकी, वो थी दूसरी किसान रैली जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आपकी दिल्ली तक पहुंचती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन ठीक से रीड कर लीजिए फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन भी ज्यादा टफ नहीं है, अगर ठीक से आप ऑप्शन देखेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा इनमें से सही नहीं है, यानी कि एक टीबी बराबर है टेराबाइट बराबर आपका 1024 गीगाबाइट रहेगा, ये सही है या नहीं, इस प्रकार आपको फाइंड करना है कौन सा गलत है वो फाइंड करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। अभी करंट अफेयर पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, करंट अफेयर बहुत जरूरी है आगामी एग्जाम की दृष्टि से, कोई भी एग्जाम आपको देना है करंट अफेयर से ही आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अच्छे। चलिए, और करंट अफेयर से रिलेटेड ही आपकी जो पुराने जी के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, आपके हिस्ट्री भूगोल वगैरह के क्वेश्चन भी जो पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कुछ लोग डी की तरफ जा रहे हैं, कुछ सी की तरफ भी चले गए, तो भाई देखिए बाकी ऑप्शन के बारे में हमें नहीं पता, चलिए नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें एक बाइट के बारे में हमें पता है क्योंकि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है इसके बारे में कि एक जो बाइट आपका रहेगा उसमें आपकी 8 बिट होती है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और ही कह रही है, 1024 बिट कर दिया तो ये गलत हो गया। एक आपका बाइट बराबर आपकी कितनी 8 बिट होती है, बिल्कुल ये चीज तो आपको अच्छे से पता है, बाकी चीजों में नहीं दिमाग लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत हमको फाइंड करना है। और एक टेराबाइट की बात करेंगे तो 1024 उसमें जीबी रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो लैपटॉप कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें कितनी आ रही है, 1 टीबी आ रही है, 1 टीबी यानी कि 1 टेराबाइट आपकी उसमें मेमोरी आती है, उसमें 1024 जीबी रहते हैं भाई, 1 जीबी में आपके 1024 MB, इससे भली बात परिचित होंगे आप लोग क्योंकि डेली आपको डेटा मुख्यतः ज्यादातर लोगों को 1 जीबी के फॉर्म में मिलता आया है, तो इससे अच्छे से परिचित होंगे भाई, 1 MB में 1024 KB होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, लाल पांडा की बात आपसे की जा रही है कि जो रेड पांडा रहेगा किस राज्य का पशु है, किस राज्य का राज्य पशु है वो आपसे पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 31 आपकी स्क्रीन पर है, क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, लाल पांडा की बात की जा रही है आपसे यहाँ पर, तो आपका लाल पांडा होता है भाई, काफी बड़ी पूछ होती है, लाल पांडा आपका जो हो जाता है तो ये सिक्किम का रहेगा, कहाँ का रहेगा आपका, सिक्किम का स्टेट एनिमल रहेगा, कहाँ का रहेगा, सिक्किम का स्टेट एनिमल रहेगा, ये याद रखिएगा चीज को, रेड पांडा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिक्किम जितने भी लोगों का आया सभी का सही हो जाएगा भाई, बिल्कुल 31 का हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की आधिकारिक लैंग्वेज भी पूछी जाती है कई बार आपका यहाँ पर, तो याद रखिए नेपाली भी शामिल है उस चीज में। ठीक है, आधिकारिक लैंग्वेज और भी है लेकिन नेपाली शामिल है, तो कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आधिकारिक भाषा पूछी जाती है कई बार, हालांकि इंग्लिश में भी है और भी लैंग्वेज है, लेकिन आपके नेपाली याद रखना है, कई बार पूछी जा सकती है। कैपिटल आपके बताओ गंगटोक हो जाएगी, लाल पांडा वहां का राज्य की पशु पक्षी हो जाएगा, रक्त तीतर जो है आपका। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, बिल्कुल सही में रेड होता है आपका, हल्का बिल्कुल रेड दिखता है, और क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, मुलाकात होगी आपसे 10:30 पर अनअकैडमी पर, आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, 10:30 पर जैसी क्लास आपकी जीके की होती डेली, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपका रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग 10:30 पर जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग अनअकैडमी पर जुड़ेंगे 10:30 बजे, वहाँ पर आपका क्या पढ़ने वाले हैं, हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं 10:30 AM पर, सभी लोग जुड़ेंगे। जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जरूर जाएं, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिन लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है 10% ऑफ के लिए आप लोग @study पर कोड यूज कर सकते हैं, यहाँ से आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो आज 10:30 पे आपकी रीजनिंग की क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए कितने बजे स्टार्ट होगी, 10:30 पे स्टार्ट हो जाएगी आपकी अनअकैडमी, 10:30 पर स्टार्ट होगी, 10:30 AM पर अनअकैडमी पर, तो लिंक प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, रीजनिंग होगी आज 10:30 बजे आपकी। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ेंगे उस सेशन में, आज सेशन को लाइक जरूर करना इस वाले को, और शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, 10:30 पे आज रीजनिंग होने वाली, प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, यहाँ पर वहां जाकर आप सर्च कर सकते हैं अकेडमी पर, और फॉलो करके रखें जिससे आपको 10:30 पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए उस क्लास का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, 10:30 पे आप लोगों से मुलाकात होगी, अभी रीजनिंग की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, उसमें आपके सभी लोग जाकर जुड़ेंगे अभी।